हाँ, सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ गोल्ड मेडल। आप नीरज नीरज को मेरे मैं मानता हूँ कि ये ओलंपिक जो भी है ये कोई एक एक दिन की ऐसी बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत ही साल और बहुत लोगों की मेहनत इसके साथ है, तो तब जाके यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। काफी खुशी हो रही है, ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ बिल्कुल, वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में, जो मेरा 2019 का साल था बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कॉम्पिटिशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूं जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए। फिर मैंने कंपटीशन जब सभी की थ्रो हो गई लास्ट लास्ट और सिर्फ मेरी बची थी, जब मुझे हो गया कि मेरी लास्ट थ्रो है और मेरा गोल्ड हो चुका है, तो एकदम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एकदम मैं कॉम्पिटिशन मोड में था। और ये पता लगते कि बस अपना अब गोल्ड हो गया है, तो बस पता नहीं सब कुछ एकदम चेंज हो गया कि बस पता नहीं क्या होगा, जैसे मैंने क्या कर लिया। तो वो फिर मैं काफी रनवे तक पहुंचा, ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं जैसे एकदम दिमाग इधर उधर होने लग गया। फिर मैंने पूरा अपना फोकस किया कि थ्रो पे, और मैं कोशिश कर रहा था कि उस थ्रो को भी अच्छा करूं, लेकिन काफी खुशी थी उस थ्रो में भी, और वो थ्रो मैंने ऐसे ही फेंकी तो वो भी अच्छी गई। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा दिमाग में तो रहता था कि भाई यार रियो ओलंपिक्स थोड़े से दिन की वजह से निकल गए और इतने मेडल भी था, और AFI ने काफी कोशिश भी की थी एंट्री करवाने की, वाइल्ड कार्ड एंट्री, लेकिन उस टाइम नहीं मिल पाई। पर वही था कि दिमाग में था कि हाँ ओलंपिक्स है और उसके लिए मेहनत करनी हमने जारी रखी, और बीच में इंजरी भी आई। काफी ऐसा टाइम भी आया था कि ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा कमबैक होगा, तो सब अच्छा रहा। तो आप एक दबाव का तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक ये फीलिंग जरूर होती है कि यार एक तो खासकर एथलेटिक्स के लिए तो था ही कि भाई हाँ एक करना है, मेडल लेके आना है, लेकिन टोक्यो में कोई गोल्ड नहीं आया था। तो और सबसे लास्ट में मेरा ही इवेंट था, तो ये था दिमाग में यार कि हाँ कैसे करें। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो जब जिस टाइम मैं रनवे पे होता हूँ और जिस टाइम फील्ड पे होता हूँ, तो ये ज्यादा दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आती, तो मैं पूरा फोकस अपना इवेंट पे करता हूँ। जब मैं जेवलिन लेके रनवे पे खड़ा होता हूँ तो बस मेरा पूरा फोकस थ्रो पे होता है। तो बस वही कारण है मेरे हिसाब से कि ज्यादा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि ऑटोमेटिक जब मैं जेवलिन लेके खड़ा होता हूँ तो वो सब कुछ पूरा फोकस जेवलिन पे आ जाता है और मैं अपना थ्रो सही से कर पाता हूँ। खासकर मतलब सभी गेम में मतलब अपने काफी अच्छे मेडल आए और अपना गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में शूटिंग में आया हुआ है, और हॉकी में अपने पहले काफी गोल्ड रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स एक ऐसा माना जाता था कि एथलेटिक्स में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के, क्योंकि हमारे बहुत ही महान एथलीट मिल्खा सिंह और PT उषा जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े गैप से रह गए थे मेडल से। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी था, क्योंकि इतने साल से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और फेडरेशन काम कर रही है, तो ये अब मेडल आया है ना, तो ये कुछ कुछ ना कुछ तो अलग होगा, खासकर एथलेटिक्स और जेवलिन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि AFI और हमारे एथलेटिक्स को और खासकर अभी जेवलिन को और ज्यादा बढ़ावा देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सामने आएंगे और आगे आने वाले जो भी जूनियर इवेंट या फिर आगे ओलंपिक्स में और अच्छा कर